So now today we will do the theorem related to the convergence of a sequence, and this theorem gives a relation between the limit point of a set and point of convergence of a sequence. लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस अगर आता है तो इट इसका मतलब लिमिट पॉइंट रेंज सेट का होता है. सो व्हाट द थ्योरम सेज, लेट ई बी अ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी इफ पी इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ई. If P is a limit point of E, then there is a sequence Pn in E such that limit n tends to infinity Pn is equal to P. Look what we have given. We have given the metric space X, right? And let E be a subset of a metric space. ये हमने एक subset ले लिया metric space का. And P is a limit point. Limit point है तो बेटा हम most probably उसको हम बाहर लेते हैं. P limit point है. P क्या है? Limit point of E. Then there is a sequence P n in E such that limit n tends to infinity P n is equal to P. तो इस set E में एक sequence होगा P n जो किसको convert करेगा. So in the other words, we can say that the definition of convergence in terms of limit point, P limit point hai set ka aur Pn jo hai elements hai E ke. तो अगर P limit point है set का तो उसके corresponding एक sequence Pn जो E set में exist करेगा वो P को converge करेगा. That will converge to P. So how to start the theorem? First of all, we have given P is the limit point. P is the limit point of E. P limit point है. तो क्या होगा बेटा जी? There exists a open ball जिसके intersection E के साथ क्या होगी? E intersection you have taken the ball here BPR with radius R greater than zero, which is not equal to phi and which is not equal to the singleton set B. For every open ball centered at P. Right. So in other words, we can say that E intersection the ball. Ball में से क्या कर दिया, निकाल दिया हमने सिंगलटन सेट भी. ये एक सेट और यहाँ पे अब सिर्फ क्या आएगा? Not equal to phi for all radius which is greater than zero. अब in particular radius के ऊपर हमने radius क्या ले लिया? 1/n. So in particular रेडियस बेटा हमने कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, और वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. और 1/n जो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. सो ई इंटरसेक्शन द बॉल बी पी एंड हियर यू हैव टेकन 1/n माइनस सिंगलटन सेट पी विच इज नॉट इक्वल टू फाइ. अब यहाँ पे n की वेरिएशन है, सो यू क्योंकि आपका जो r का काम कौन कर रहा है? 1/n. वेरिएशन किसकी आएगी? n की. फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n. अब इंटरसेक्शन खाली नहीं है, अब मैं एन को पर्टिकुलर वैल्यू दे रही हूँ, पुट एन इज इक्वल टू वन. सो ई इंटरसेक्शन बी पी वन माइनस सिंगलटन सेट पी, इस सेट के इंटरसेक्शन जो है खाली नहीं है. अगर खाली नहीं है, अब फिगर में देखिए इसका मतलब क्या हुआ. ये था हमारा ई, यहाँ पे था पी. बच्चे यहाँ एक बॉल बनी, ठीक है जी, कितने रेडियस की? 1 रेडियस की. ये मान लो सेंटर है, ये सेंटर पे लिया आपने. सो जब आप प्रॉपर बनाएंगे तो बेटा ये सेंटर है, दिस इज द सेंटर, ये पी, और रेडियस कितना है? 1 है. रेडियस कितना है? 1 है. और इनकी इंटरसेक्शन आपस में खाली नहीं है, पी भी नहीं है, कोई ना कोई पॉइंट सेट ई का इसमें आएगा. तो हमने क्या ले लिया? पी वन ले लिया. सो लेट पी वन बिलोंग्स टू ई, इंटरसेक्शन
दिस बी पी वन माइनस सिंगलटन सेट पी, इस सेट में हमने पॉइंट, जब खाली नहीं है इसका मतलब कोई ना कोई पॉइंट होगा। अब हम बेटा अब क्या करेंगे, मैं एन को टू लगाऊंगी, अब रेडियस कितना हो गया, रेडियस छोटा हो गया, जब रेडियस छोटा हो गया तो इसका मतलब बॉल छोटी होगी, ठीक है। हम पहले बॉल से आपको क्लियर कर दूं भी एक्चुअली बन क्या रहा है। देखो हम एन को वन टू थ्री लगा रहे हैं तो मेरे पास रेडियस क्या आ रहे हैं, वन वन बाय टू वन बाय थ्री, देखो मेरा रेडियस छोटा होता जा रहा है ना। सो दिस इज यू हैव ई, दिस इज यू हैव ई एंड सपोज करो यू हैव द पॉइंट हियर, और इसको सेंटर लेके सबसे बड़ा रेडियस कितना आ गया आपका वन, सपोज करो ये मैंने सबसे बड़ा रेडियस लिया, ठीक है। अब इसमें इनके इंटरसेक्शन में पॉइंट आ गया पी वन, ठीक है। अब मेरा रेडियस कितना हो गया, आधा हो गया इससे, इसका मतलब अब मेरी बॉल ये बनेगी, ठीक है। पी वहीं का वहीं रहेगा, पी नहीं चेंज होगा, तो फिर इसमें एक पी टू आएगा, फिर बॉल और छोटी होगी, फिर इसमें क्या आएगा एक पी थ्री आएगा, तो ये बेटा सिलसिला चलता जाएगा, क्यों, क्योंकि एन कहाँ तक है इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये आपका छोटा 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 होता जाएगा। तो आपको हर एक जो आपका ये जो बॉल और ई की इंटरसेक्शन में पहले क्या मिल रहा था पी वन, फिर क्या मिलेगा पी टू अगली बॉल में, फिर पी थ्री मिलेगा, फिर मिलेगा पी फोर, और ये चलता जाएगा, यानी आपको एक पी एन सीक्वेंस मिलेगा किसमें, ई और बॉल की इंटरसेक्शन में। मैं जनरलाइज कर रही हूँ यहाँ पे, दिस इज ये खाली नहीं है, then Pn belongs to, for all n belongs to n. इसका मतलब Pn किस में है, E में है, ठीक है जी, and Pn belongs to the ball BP 1 by n, ठीक है जी, and the singleton set minus singleton set P. तो Pn E में है, Pn किस में है, E में। अब Pn बॉल में भी है, मतलब Pn और P का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन Pn और P कितना है, लेस देन 1 बाय n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सो देयरफॉर Pn बिलोंग्स टू E एंड डिस्टेंस बिटवीन Pn एंड P इज लेस देन 1 बाय n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, आप इसको डेफिनेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप सीधा लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज डिस्टेंस बिटवीन Pn एंड P इज टेंडिंग टू जीरो एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है जी, डिस्टेंस बिटवीन Pn और P जीरो हो गया, इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Pn इज इक्वल टू P, यही आपने प्रूव करना था, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस Pn बिलोंग्स टू E सच दैट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ Pn इज इक्वल टू P, ठीक है जी, डायरेक्टली ऐसे हो गया। अगर आपने एप्सिलॉन पे जाना है तो आपने 1 बाय n को चूज कर लिया, लेस देन एप्सिलॉन मतलब n आपका क्या आ गया ग्रेटर देन 1 बाय, ये आपने m चूज किया, सो आप यहाँ लिखेंगे फॉर और करके फॉर गिवन एप्सिलॉन जो आपके लिया हुआ है चूज m belongs to n such that m is greater than 1 by epsilon so that for all n, क्योंकि आप m चूज करते होते हैं ना, for all n greater than n, और m भी किससे बड़ा ले लिया, हमने इससे भी बड़ा ले लिया 1 by epsilon से, so distance between Pn and P is less than epsilon for all n greater than or equal to m implies Pn is tending to P, so therefore the existing sequence Pn belongs to E such that the limiting value of Pn is equal to P, that's all, yes, clear, yes ma'am, ठीक है जी। देखो जब भी डेफिनेशन लगनी है लिमिट पॉइंट की, जब भी डेफिनेशन लिमिट पॉइंट लेते हो बॉल बनाते हो सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हो, एक तो वो पॉइंट नहीं आना चाहिए और एक पॉइंट जो लिमिट पॉइंट है वो नहीं आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जब आप लेते हैं एडहेरेंट पॉइंट, क्या लेते हैं एडहेरेंट पॉइंट, चलिए मैम उस सेट की और बॉल की इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो आप क्या लिखते क्या हैं, मैम आवाज नहीं आ रही, मैं बोल ही नहीं रही, अब आ रही आवाज,
आवाज आई बेटा? यस मैम। आपने लगाया ई इंटरसेक्शन बी पी आर इज नॉट इक्वल टू फाइव, ये किसकी डेफिनेशन है? इसका मतलब पी इज द पी इज एडहेरेंट एडहेरेंट पॉइंट ऑफ, और जब आप लिखते हैं पी इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ई, तो डेफिनेशन लगती है ई इंटरसेक्शन बी पी आर माइनस सिंगलटन सेट पी इज नॉट इक्वल टू फाइव, ये डिफरेंस है। तो अगला क्वेश्चन बेटा सेम इसी के ऊपर है, एग्जैक्टली जो कि आपने किया, राइट? सो नाउ आई एम कमिंग टू द बेटा फर्स्ट नाउ आई एम कमिंग सब सीक्वेंस में, जब सीक्वेंसेस के एंड पे पहुंचेंगे उस पे आऊंगी मैं, सब सीक्वेंसेस पे। पहले जो इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉची सीक्वेंस एंड कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। कॉची सीक्वेंस और नेक्स्ट इन द डेफिनेशन इज कॉची सीक्वेंस एंड फंडामेंटल सीक्वेंस। कॉची सीक्वेंस का एक और भी नाम है, क्या नाम है?